किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि किसी के मजबूरी का फायदा उठाकर ज्यादा खुश मत होना, क्योंकि जब ईश्वर हिसाब करता है तो संभलने तो क्या, रोने का भी मौका नहीं देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार, आपका स्वागत करता हूं अपने आरजीएम यूट्यूब क्लासेज में। दोस्तों आज का वीडियो है वह मैथमेटिक्स का है, जिसका हमारा टॉपिक है साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। दोस्तों देखिए, इसका हम पार्ट वन और पार्ट टू करा दिए हैं और आज का वीडियो है वह पार्ट थ्री है। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लेकिन वीडियो को देखने के बाद यदि अच्छा लगे तभी कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन है उससे आगे, हालांकि हम सभी क्वेश्चन को तो करा नहीं सकते हैं क्योंकि हम पीछे करा दिए हैं। देखिए मेरा क्वेश्चन है, बोला है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में स्वयं की 3 गुना हो जाती है। स्वयं का 3 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में उसी साधारण ब्याज की दर से 2 गुना हो जाएगी। कितने वर्षों से साधारण ब्याज की दर से 2 गुना। देखिए दोस्तों क्या चीज बोल दिया है, यहां पे बोल रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में उसी साधारण ब्याज की दर से 2 गुना हो जाएगी। दोस्तों देखिए इसका हम पार्ट टू में लास्ट क्वेश्चन इसी टाइप का कराए थे, क्योंकि पार्ट थ्री हम स्टार्ट किया तो चूंकि इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन इस टाइप से डाले हैं ताकि आपको मतलब पीछे वाला भी कुछ याद आ जाए। तो देखिए बोला है कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाता है। सपोज कीजिए दोस्तों, अधिकतर देखिए धनराशि चाहे कुछ भी मानना भी रहता है तो हम लोग अधिकतर समय में 100 का ही लेते हैं। मान लीजिए हम किसी से मतलब हम किसी को पैसा दिए 100 रुपया और बोल रहा है कि साधारण ब्याज है कि 10 से 20 वर्षों में 100 में 3 गुना हो जाती है। ठीक है दोस्तों, 100 के बाद 20 वर्ष यानी 20 वर्ष का समय लगता है या 3 गुना, 100 का 3 गुना यानी 300 हो जाती है दोस्तों। तो वही पूछा है कि कितने वर्षों में उसी साधारण ब्याज की दर से पूछा है, लेकिन हम पहले भी दर निकालेंगे। देखिए दोस्तों 20 वर्ष में यदि हमको कोई मान लीजिए हम किसी को 100 रुपया दिए थे, वो फिर हमको 300 लौटा रहा है, तो हमको कितना वो फायदा दे रहा है। दोस्तों देखिए 100 रुपया तो मेरा पैसा था, फायदा वो कितना दे रहा है, 200 रुपया, यानी जिसे हम ब्याज बोल सकते हैं कि ब्याज हमें वह कितना दिया, 200 रुपया ब्याज दिया, क्योंकि 100 रुपया तो मेरा ही था। कितने वर्षों में दिया दोस्तों, यहाँ पे देखिए 20 वर्षों में, तो इससे दर नहीं पता चल जाएगा कि कितना के रेट से निकला। देखिए 10, यानी 1 साल में वह 10 रुपया दे रहा था, तभी तो आखिर 20 साल में वह 200 रुपया दिया, ब्याज दिया 200 रुपया, और 100 रुपया जो लिया था वो 300 नहीं हो गया, 300 हमारा पूर जा रहा है। ठीक है, बोल दिया है कि उसी दर तो हमारा निकल गया 10%, उसी दर से कितने वर्षों में, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं किया, समय पूछ दिया है इस बार, अभी 2 गुना कर दे रहा है। तो देखिए दोस्तों यदि 2 गुना कहने का मतलब क्या हुआ, यदि हम 100 रुपया किसी को दिए हैं तो वह हमें 200 दिया है, रेट यहाँ पे हमें मालूम है रेट बराबर 10%, तो भाई 200 हमको देगा वो, तो 100 रुपया तो मेरा पर्सनल पैसा है जो हम दिए हैं वही हो गया, वो हमको कितना फायदा में दे रहा है, मात्र 100 रुपया दे रहा है। ठीक है, यानी
₹100 दे रहा है इतना के रेट से, तो कितना मतलब कितना समय में इतना होगा, मतलब 10 के रेट से ₹100 का कितना समय बाद ₹100 सूद हो जाएगा। तो कुछ नहीं, इसको मैं रेट से भाग दे दीजिए, 10 वर्षों में इसका हो जाएगा हमारा आंसर, यानी 10 वर्ष इसका हो जाएगा और रेट हमारा 10% हो गया। देखिए दोस्तों एक और होता है, इसका सूत्र से भी आप चलिएगा तो देखिए सूत्र क्या होगा, इसे आप उतार लीजिएगा, समझ जाएगा अच्छी तरीके से। फिर से समझा दे रहे एक बार, देखिए दोस्तों बोला कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में समय का 3 गुना हो जाती है, ठीक है। मान लीजिए हमने किसी को ₹100 उधार दिया, वो हमें 20 वर्षों में ₹300 वापस रिटर्न लौटाया, हाँ ठीक है, ₹100 दिया और 300 लौटाया, तो हमें फायदा कितना हुआ दोस्तों? तो फायदा हमें मान लीजिए ₹100 मेरा ही था, 300 लौटाया यानी 200 हुआ। और कभी भी आप जानते हैं कि साधारण ब्याज में जब भी यदि मूलधन के अलावा कुछ बढ़ता है तो ब्याज ही बढ़ता है, तो मूलधन हमारा 100 था, हमारा बढ़ा है, ज्यादा पैसा मिला 200, यानी ब्याज है, तो यानी ब्याज है, यानी 20 वर्षों में ब्याज इतना, तो इसका कि समय कितना हुआ, तो एक वर्ष में कितना बढ़ रहा है, तो एक वर्ष में ये ₹10 बढ़ा है, यानी 10 के रेट से दिया था, तो बोला है कि वही दर यदि रहेगा तो कितने समय बाद मूलधन दुगना हो जाएगा। यानी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समय दे दिया था, हमें रेट पूछ दिया था, और अब आगे क्वेश्चन में बोल दिया कि दुगना कीजिएगा और दर वही रहेगा, यानी रेट दे दिया है, समय पूछा है, तो बस कुछ नहीं करना है, जितना दिया है वही बस। यहाँ पे देखिए R 10%, 100/10 बराबर 10 वर्ष। देखिए ये चीज, और इस टाइप की क्वेश्चन जब भी आता है तो एक सूत्र भी होता है, देखिए सूत्र क्या होता है, देखिए कोई धनराशि, देखिए R पूछते तो N-1 × 100/T, ठीक है, R यानी जब रेट पूछ दे, जब गुना वाला समय दे, मान लीजिए यहीं पे देखिए ना दोस्तों, यहाँ पे रेट ही तो पूछा है, N कितना है, N हमारा, N वही जितना बोलेगा, 4 गुना बोल देगा, 5 गुना बोल देगा, मतलब 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, तो यहाँ पे कितना बोला है कि 3 गुना हो जाती है, तो N हमारा 3-1 फॉर्मूला से गुना 100/T, समय कितना दिया था, 20 वर्ष, ठीक है दोस्तों, 3 में से 1 जगह 2, 2 गुना 100 = 200/20, बात वही आएगा हमारा, यानी 10% हो गया। लेकिन आगे देखिए क्या चीज बोला है, हमारा दे दिया है, आगे देखिए समय निकालना है, समय बराबर वही हो जाएगा × 100/ जो नीचे यहाँ समय लिखते थे ना, यहाँ रेट हो गया, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें 2 क्वेश्चन है, 2 गुना हो जाएगा, यानी हम सेकेंड को सोल्व करेंगे, तो एन यानी 2-1 × 100/ रेट कितना है हमारा, रेट दर देखिए ये 10% का है, कि बोला है कि उसी दर से साधारण ब्याज की दर से, मतलब जो निकालेंगे उसी दर से, यानी 10 यानी 100/10 = 10, इसका 10 आंसर आ जाएगा, यानी ये हमारा सोल्व हो गया। चलिए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं, अब तो इसे उम्मीद करते हैं समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यदि जाते दोस्तों आप पीछे वाला वीडियो भी आप लोग देखते रहिएगा, मतलब इसका पार्ट 2 और पार्ट 1 देखिएगा, अच्छी तरीके से समझ में आपको आ जाएगी। देखिए आगे हम देखिए आगे मेरा क्वेश्चन क्या बोला है, कि बोला क्या है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 12 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर बताइए। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या बोला है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 12 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, यहां देखिए, दोगुनी हो जाती है ब्याज की वार्षिक दर बताइए।
दर बराबर मतलब वाट कर दिया है। यहाँ पे देखिए हमारा क्या क्या दिया है, बोला है कि दो गुनी बोल दिया, यानी वही फॉर्मूला लग जाएगा, लेकिन दर पूछा है यानी रेट बराबर क्या होता है दोस्तों, इन माइनस वन इंटू हंड्रेड बटा में यहाँ रेट निकाला यानी टी, ठीक है दोस्तों। इन हमारा कितना है दो गुनी बोला है, यानी दो माइनस एक इंटू हंड्रेड बटा में बारह, बारह ठीक है। यहाँ बारह दो में से एक जगह एक सौ बटा बारह कर दीजिए बारह, यदि दोस्तों यहाँ पे लाइट चमक रहा होगा आपको, यह देखिए सौ बटा बारह, आप इसे पच्चीस चौका सौ चाहते बारह, ठीक है इतना भी आप छोड़ सकते हैं, इतना या इसे काट दीजिए तीन नौ अट्ठे चौबीस, तीन तीन कुछ करके आएगा, यही हमारा समय हो जाएगा, समय नहीं रेट होगा, रेट चूंकि समय दे दिया था रेट ही पूछा है। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, दोस्तों इसे समझाने की जरूरत नहीं है, आगे देखिए मेरा क्वेश्चन क्या है कि किसी धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का एक बटा नौ है, ठीक है। मूलधन का एक बटा नौ है, नौ है तथा वर्षों की संख्या और ब्याज दर बराबर है। देखिए यहां पे थोड़ा सा अंतर किया है, वर्षों की संख्या ब्याज दर बराबर है, वर्षों की संख्या ब्याज दर बराबर है, तो ब्याज की दर बताइए, ठीक है ब्याज की दर यानी रेट निकाल देना है, ठीक है दोस्तों। देखिए बोला है कि किसी धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का एक बटा नौ है। सपोज कीजिए दोस्तों यदि हम बोलते हैं कि तुम्हारे पास मेरे से एक बटा चार रुपया है, क्या बोलेंगे दोस्तों, तुम्हारे पास मेरे रुपए का एक बटा चार रुपया है, कहने का मतलब तुम्हारे पास मेरे पास एक बटा चार रुपया बोलेंगे, यानी कहने का मतलब कि यदि मेरे पास चार रुपया है तो तुम्हारे पास कितना है एक रुपया, और यदि हम यहां पर बोलते हैं कि तुम्हारे पास मेरे से छ बटा पांच रुपया है, तो कहने का मतलब यदि मेरा रुपया पांच रुपया मेरे पास है तो उसके पास कितना है छ रुपया है। उसी तरीका से यहां पे देखिए बोला है किसी धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का एक बटा नौ है, क्या एक बटा नौ है साधारण ब्याज, यानी ब्याज हमारा एक हो गया और मूलधन हमारा नौ हो गया, बोला है ना दोस्तों मूलधन का एक बटा नौ है, यानी यहां पर देखिए हमारा क्या चीज हो गया, मूलधन बराबर नौ और ब्याज बोला है, ब्याज देखिए दोस्तों फिर से हम समझा रहे हैं, मान लीजिए यदि हम किसी से कहते हैं कि तुम्हारे पास मेरे पैसा का एक बटा चार रुपया है, ठीक है, फिर से हम इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, यही पे देखिए अधिकतर स्टूडेंट फंसते हैं, तुम्हारे पास मेरे पैसा का एक बटा चार रुपया है, कहने का मतलब है कि मेरा पैसा कितना है चार रुपया, तुम्हारे पास कितना है, तुम्हारे पास एक रुपया है, यानी तभी ना हुआ दोस्तों एक बटा चार भाग मेरे पास कितना है चार रुपया। उसी तरीका से यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि यदि किसी धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का एक बटा नौ है, किसका एक बटा नौ है तो मूलधन का, तो मूलधन हमारा कितना हो गया दोस्तों नौ, मूलधन यदि नौ है तो ब्याज कितना है एक है, एक बटा नौ है तथा वर्षों की संख्या और ब्याज दर बराबर है, यानी R इज इक्वल टू टी है, तो ब्याज की दर बताइए, ठीक है दोस्तों। हमारे पास क्या मूलधन मिल गया, ब्याज मिल गया, रेट और टाइम क्या थी हिंदी बोलते हैं, हाँ दर और समय मिल गया, तो देखिए क्या चीज करेंगे हम इसको, साधारण ब्याज SI बराबर क्या होता है दोस्तों, सूत्र से चल दीजिए, पी गुना आर गुना टी
बटा में 100, ठीक है। लेकिन चूंकि r हमारा t के बराबर, t जो है हमारा r के बराबर है, तो हम t के जगह पे r लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्तों। चूंकि r और t बराबर है तो t के जगह पे हम r भी लिख सकते हैं। ये सारी यानी सिंपल इंटरेस्ट, ब्याज हमारा कितना है 1 रुपया, p मूलधन कितना है 9 गुना r तो दिया नहीं है, r स्क्वायर बटा में 100, ठीक है। इधर देखिए इसको से गुना कर दीजिए, यानी 9 गुना आर स्क्वायर बराबर 100, आर स्क्वायर बराबर 100 बटा में 9, आर बराबर इधर स्क्वायर हटेगा इधर क्या हो जाएगा, देखिए एकदम बेसिक से आपको समझा रहे हैं। आर बराबर हमारा कितना आ जाएगा, रूट 100 का यानी 10 और रूट 9 का 3, इसे आप काट दीजिए या फिर वही आएगा 3 3 9 3 10 3 3 कुछ कर क्या आएगा, ये हमारा रेट होगा या फिर इतना, मतलब वहां पे आपको ऑप्शन जिस टाइप से दिया हुआ रहे। चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं भी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए बोला क्या है, किसी धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है, मूलधन का यानी मूलधन यदि 9 रुपया है तो ब्याज कितना है 1 रुपया है। देखिए मूलधन 9 हो गया, ब्याज भी लिया गया, तथा वर्षों की संख्या और ब्याज की दर यानी रेट और टाइम दोनों बराबर है, तो पूछ दिया है कि सिंपल इंटरेस्ट निकाल देना है यानी ब्याज निकाल देना है, ब्याज निकाल कर उसका हमको दर पता कर लेना है। तो इसका फॉर्मूला सिंपल से लगा दिए, पी गुना आर गुना टी होता, लेकिन चूंकि देखिए आपको टी और आर बराबर है इसीलिए हम यहाँ पे आर को ही लिखे। अब बोलिएगा सर जी यहाँ पे टी, यहाँ दोनों जगह टी टी कर देते तो कर सकते थे, लेकिन देखिए लास्ट में पूछा कि ब्याज के दर रेट पूछा है इसलिए हम रेट को ही लेकर चलेंगे। देखिए पी गुना यहाँ पे एस आई यानी सिंपल इंटरेस्ट 1 है, बराबर मूलधन हमारा 9 है, 9 गुना आर स्क्वायर बटा 100, इसको से गुना कीजिए 1 में, 9 गुना आर स्क्वायर बराबर 100, आर स्क्वायर बराबर 100 बटा 9, आर बराबर यदि इस तरह से स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा और देखिए जो हमारा आंसर आएगा 10/3। इतना भी आंसर यदि ऑप्शन में दिया रहेगा आपको वहां पे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए बहुत जल्द हो सकता है कल या आज से ही रीजनिंग का भी एक क्लास चलाया जाएगा, देखिए उसके लिए बताया जाएगा, मतलब बता देंगे। बाकी आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए। आगे देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, अरुण ने कुछ धन जयंत से साधारण ब्याज की दर से उधार लिया, अरुण ने अरुण ने एक मिनट देखिए दोस्तों आगे क्या बोला, वो लाइट चला गया था कि अरुण ने कुछ धन जयंत से साधारण ब्याज की दर से उधार लिया, ठीक है। पहले 4 वर्षों के लिए 8%, अगले 6 वर्षों के लिए 10% तथा 10 वर्षों से अधिक के लिए 12% की दर निर्धारित थी। यदि उसने 15 वर्ष के अंत में ब्याज के रूप में 12,160 रुपए दिए तो मूलधन ज्ञात कर देना है। देखिए फिर से पीछे वाला ही क्वेश्चन आ गया, इस टाइप से क्वेश्चन आप लोग किए हैं, मतलब बताए हैं दोस्तों। देखिए क्या बोला है, अरुण ने कुछ धन कितना वर्षों के लिए लिया था, कहाँ है 15 वर्षों, हाँ 15 वर्ष, ठीक है। बोला है 15 वर्ष के लिए लिया है, ठीक है, हमें 15 वर्ष से ज्यादा का नहीं निकालना है। बोला है यहाँ पे 4 वर्षों के लिए 8%, यानी 4 वर्ष, ठीक है। उसके बाद आगे बोल दे 4 वर्ष के लिए कितना है दोस्तों 8%, उसके बाद 6 वर्षों के लिए 10%, वर्षों के लिए कितना है 10%। अब देखिए बोला है 10 वर्षों से अधिक के लिए 12% की दर निर्धारित की थी। अब यहाँ पे आप 10 वर्ष मत लिख दीजिएगा, ठीक है, कहे कि आपको टोटल 15 वर्ष, यहाँ 15 वर्ष तक से वो लिया था आपको, देखिए 4 वर्ष और 6 वर्ष, 10 वर्ष पूर चुका है इधर ही, यानी इधर 5 वर्ष लिखिए, मतलब बाकी कितना हुआ है, अभी बचा है 5 वर्ष। 5 वर्ष में के लिए कितना किया था, मतलब 10 वर्ष से अधिक के लिए वो किया था 12%। दोस्तों यदि 4 वर्षों तक, मतलब 8% 8% 8% 8% यानी 4 बार दिया जाएगा, यानी 68% प्रति वर्ष यदि 4 वर्ष तक किया जाएगा, इसको हमारा कितना होगा दोस्तों, इसका हो गया 32%, 8 चौका 32,
और यदि इसे करें ये हमारा 60% हो गया और ये हमारा हो गया 12/5 60%। ठीक है, यदि टोटल को जोड़ दीजिए दोस्तों तो हमारा कितना आ गया 60 60 120 120 और 32 152 152% आ गया। ठीक है दोस्तों 152% आ गया। और यहाँ पे देखिए क्या बोला है, 152% तो हम लोग परसेंटेज में निकाले तो इतना आ गया, लेकिन यदि इसे रुपया में बात कर दे तो 12160 आ रहा है। तो हम 1% का निकाल लेंगे, 1% का हमारा 12160 / 152। लेकिन हमें पूछा कि मूलधन, मूलधन कभी भी देखिए 100% का माना जाता है, तो 1% बराबर इतना, तो 100% बराबर तो 100 से गुना कर दीजिए, 100 से गुना कीजिए। अब देखिए कैसे कटेगा, इसे आप लोग काट दीजिए, 4 से काटिए, 4 से यदि काटिएगा 4 3 12 और 8 4 32 हाँ 38 बार में, और ए काटिए 4 3 12 4 4 16 0 यानी 30 40। ठीक है ना दोस्तों, यदि इसे काट दीजिएगा आप 19 2 38 और इसे काटिए 19 1 19 बचा कितना 11 11 और यानी 114 19 6 114 160। ठीक है, यदि आप इसे काट दीजिएगा तो 80 बार में 80 × 100 कीजिएगा तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों 1 2 3 यानी 8000 उसका मूलधन हमारा निकल गया। दोस्तों देखिए इसे समझाने की जरूरत नहीं है, इससे पहले भी हम क्वेश्चन इस टाइप से कराए हैं, 2 4 5 6 क्वेश्चन कराए, मतलब उससे अधिक कराए हैं यानी इससे पहले वाला वीडियो में, लेकिन बीच में यहाँ पे हम इसलिए डाले थे कि ताकि आप लोग का याद भी आते रहे। और दोस्तों यदि आप पीछे हमारे वीडियो नहीं देखे तो उसे जाकर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, लाइट भी देखिए चली गई, इन्वर्टर से चल रहा है, कितना देर चलेगा उसका भी कोई पता नहीं है। चलिए देखिए हमें हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए मेरा अगला क्वेश्चन है, यदि 1350 रुपए पर साधारण ब्याज 1250 रुपए पर मिलने वाला साधारण ब्याज से 2 वर्षों में 20 रुपए ज्यादा है, पर साधारण ब्याज 20 रुपये अधिक है तो दर प्रतिशत बताइए, तो दर बराबर 8। ठीक है दोस्तों देखिए क्या चीज बोला है, क्वेश्चन बोला है कि यदि 1350 रुपए पर साधारण ब्याज 1250 रुपए पर मिलने वाली साधारण ब्याज से 2 वर्ष में 20 रुपया अधिक है, 2 वर्ष में 20 रुपये यहां अधिक है, अधिक है। ठीक है देखिए मान लीजिए हमने किसी व्यक्ति को पैसा दिया, इतना अमीर नहीं है लेकिन मतलब मानना पड़ता है, मानने में बिजली के बिल तो उठ नहीं रहा है। देखिए दो व्यक्ति को मान लीजिए हम दिए, एक को दिए 1350 रुपया, एक को दिए 1250 रुपया, तो बोला है हम दोनों हमको 2 वर्ष बाद दिया पैसा, मतलब ब्याज दिया 2 वर्ष बाद। हम देखते हैं कि इसका मान लीजिए ब्याज जो है ना, मान लीजिए इसका हमें 100 मिला और इसका हमारा 80 मिला। ठीक है ब्याज से 2 वर्षों 20 रुपया अधिक है, तो आखिर इसका 80 रुपया मिला यानी हमको इसको से 20 रुपया कम मिला, 20 रुपया कम मिला। अरे मेरे भाई खाली तुम ब्याजे का देख रहे हो कि 20 रुपया कम मिला, तू 100 रुपया कम होता दिया था, 100 रुपया कम दिया इसलिए तुमको 20 रुपया कम मिला, यानी 100 रुपया में 2 वर्ष में कितना मिला 20 रुपया 2 वर्ष में। ठीक है 100 रुपया यदि हम किसी को देते ना, देखिए 100 रुपया ज्यादा दिया था, इसको 20 रुपया वैसे मिला,
मतलब हम ही दिए थे, मतलब इसमें 100 रुपया ज्यादा दिए थे, तो हमको 2 वर्ष में 20 रुपया मिला, तो 1 वर्ष में कितना मिला होगा दोस्तों, तो 1 वर्ष में 10 रुपया, 1 वर्ष में 10 रुपया हमको मिला, 2 वर्ष में यदि 20 रुपया मिला, 1 वर्ष में 10 रुपया, तो वही बोल दिया ना कि दर बताइए, तो 100 रुपया हम किसी को दिए और 1 वर्ष में 10 रुपया हमको ब्याज दे रहा है, तो कितना प्रतिशत हुआ दोस्तों? सिंपल सी बात है, 100/10 यानी 10, आप ऐसे भी कर लीजिए ना दोस्तों, यदि 100 रुपया का आपको 10 रुपया सालाना दे रहा है, यदि साल में कोई दे रहा है तो 10% दे रहा है, यानी इसका रेट हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों? 10 रुपया। फिर देखिए इसको समझा रहे हैं, बोला देखिए हम दो व्यक्ति को पैसा दिए, दो व्यक्ति को दे देते हैं, एक को 1350 रुपया दिए, एक को 1250 रुपया, 2 वर्ष बाद दोनों हमको पैसा लौटाया, सपोज कीजिए कि एक हमको 100 रुपया मतलब उसका ब्याज दिया और एक 80 रुपया दिया, ठीक है, तो हमको आखिर गड़बड़ लगा कि भाई हमको इसमें 20 रुपया कम मिला, रियल बात है 20 रुपया इसमें कम मिला इसकी अपेक्षा, तो भाई इसको हम 100 रुपया अधिक दिए थे ना, तभी तो 20 रुपया 2 साल में हमको अधिक दिया, यानी यदि हम 100 रुपया अगर इसको और दिए रहते तो ये हमको 20 रुपया और देता, यानी 80 दिया यो 100 रुपया देता, यानी दोनों बराबर बराबर देता, यानी 100 रुपया के कमी के चलते हमको 20 रुपया ही अधिक दिया, यदि हम किसी को 100 रुपया मतलब इसको अधिक दिए तो ये हमको 20 रुपया अधिक दिया, तो दोस्तों 2 साल में, तो 1 साल में कितना देता है, यदि हम 100 रुपया इसको 1 साल में हमको 10 रुपया दिया, ठीक है, तो यदि पूछ दिया है कि भाई रेट बता दीजिए, तो कुछ नहीं, ब्याज बटा दर बराबर हमको हो गया, रेट निकल गया ब्याज बटा में यहाँ पे 10, यानी हमारा कितना परसेंट है? 10%, यानी उसका दर क्या था दोस्तों? हमारा 10% था। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, और आज का उम्मीद है लास्ट क्वेश्चन होगा वो। देखिए आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1650 रुपए पर, देखिए इसी टाइप के एक हम और क्वेश्चन करा दे रहे हैं ताकि आपको मतलब आसानी हो सकता है पहला में समझ में नहीं आया होगा, इसमें आ जाएगा। देखिए क्या चीज बोला है कि 1650 रुपए पर पेपर ब्याज 1200 रुपए से अधिक है, बताइए भी लिख दे रहे हैं। देखिए क्या चीज बोला, यहां पर भी सेम वही कंडीशन हो जा रहा है दोस्तों। देखिए बोला है कि 1650 रुपए पर ब्याज 1200 रुपए 2700 रुपए अधिक है, यानी हमने दो व्यक्ति को पैसा दिया, एक को दिया 1650 और एक को दिया 1200। देखिए समय बोला है तो दोनों व्यक्ति हमको 6-6 साल में, मतलब दोनों व्यक्ति हमको 6 साल में मेरे पास आए और ब्याज हमको दिए, मान लीजिए कि हमको यदि 54 रुपया दिया, सपोज करना ये दिया नहीं है तो ये हमको 27 रुपया दिया, हमने सोचा क्या कि ये हमको 27 रुपया कम का है दिया, अरे भाई हम इसको पैसा भी तो कम दिए हैं, इसको दिए हम 1650 और इसको 1200 दिए हैं, यानी कि देखिए यानी कि इससे इसकी अपेक्षा इसकी कितना ज्यादा दिए हैं, यानी 450 रुपया दिए हैं, तबे तो आखिर हमको 27 रुपया कम दिया, मतलब ये ज्यादा लिया, ये कम दिया और ये अधिक दिया, यदि 450 रुपया अगर हम अधिक किसी को देंगे तो हमको 27 रुपया अधिक देगा, कितना दिनों में? 6 वर्ष में, तो 1 वर्ष में कितना अधिक देगा दोस्तों? तो 1 वर्ष में देखिए हमारा कितना हो जाएगा, यदि 6 वर्ष में 27 रुपया अधिक देगा तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो 27/6 कर दो ना, 9 इतना देगा 1 वर्ष में, लेकिन यहाँ पे देखिए हमारा मूलधन पूछ दिया है, तो मूलधन बराबर क्या होगा, मतलब मूलधन हमें निकालना है, तो देखिए दोस्तों इसका यानी 1 वर्ष का इतना हो गया, तो मूलधन हमारा हमेशा देखिए आप जान लीजिए कि 100 का होता है, लेकिन मूलधन हमें निकालना नहीं है, एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा,
मूलधन हमें निकालना नहीं है, ब्याज की दर बता देना है कि दर आखिर कितना था। तो यहां पे देखिए, इसके लिए एक सूत्र भी देखिए हो जाता है, ब्याज गुना 100। मूलधन गुना समय, ठीक है। देखिए हमारा इस बार सूत्र चल रहा है, पीछे वाला में तो समझाया ही है उसे, लेकिन इस बार सूत्र चल दे रहे हैं। देखिए ब्याज हमारा कितना अधिक दिया है, 27 गुना 100 बटा में मूलधन। मूलधन कितना है दोस्तों, मूलधन हमारा यानी 450 रुपये, हाँ 450 रुपये अधिक दे रहा है, 450 गुना समय कितना है 6। काटिए पीटिए जो करना है, इसको देखिए कैसे कटेगा, एक जीरो से ये जीरो काट दीजिए, 9 से इसे काट दीजिए, 9 दिया 27 और 9 पचे 45, 5 से इसे काट दीजिए, 5 गुना 10 और 3 से इसे काट दीजिए दो बार में और इससे यानी 1%, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1% हमारा इसका रेट आया, ब्याज की दर कितना है 1% है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं और क्वेश्चन है कि नहीं, नहीं है दोस्तों। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।